वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इन क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सिगमेंट पार्ट 10। फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 8π। इसका सॉल्यूशन देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2πr। रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 8π। 8π इक्वल टू 2πr, देन r इक्वल टू 4 यूनिट। हमें पता चल गया कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन पाई वैल्यू ऑफ आर 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। बोला है दो सर्कल ले लिया जाए जिसके रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हो। सपोज कर ले पहला सर्कल है जिसका रेडियस आर वन ले लें 8 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल ले लें आर टू इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल लेते हैं जो कैपिटल आर है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। और गिवन है कि दोनों सर्कल का जो एरिया है का सम थर्ड वाले सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर प्लस सेकेंड के लिए हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, या किसके इक्वल आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन लेने क्या आएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर वन की वैल्यू दी गई है ना 8 सेंटीमीटर और आर टू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे देन आर स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 में बोला है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अब देखें डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इन द व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। द कार इज ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहले स्पीड ऑफ कार लिखे, स्पीड ऑफ कार, कार की जो स्पीड है वो कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, तो मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 × 1 = 6, 11 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1100 मीटर पर मिनट। ये हमारा स्पीड आ गया,
अब देखें 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में इसका डिस्टेंस देखा जाए तो हो जाएगा इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1100 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस कवर हुआ कितने मिनट में, 10 मिनट्स में। अब देखिए इसका डायमीटर कितना दिया है, 40 दिया है, 80 डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या होता है डी अपॉन 2, रेडियस हमारे पास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को हम चेंज कर ले मीटर में, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 40 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10 हमारा जो आर आया वो आया 2/5 मीटर। अब देखिए एक कंप्लीट रेगुलेशन में कितना सर्कमफ्रेंस बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2πr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2/5 सॉल्व करेंगे तो आएगा 88/35 मीटर। हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया सर्कल का वो 88/ क्या है 35। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये पूछा गया है, लिखेंगे नंबर ऑफ, या लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर कवर इन 10 मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स कितना है 1100 मीटर अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 88/35 सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4375। इस तरह से जो विल्स है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना करेगा 4375। थैंक यू स्टूडेंट।